Hello everyone, you are watching Atmosphere and in this video I will be talking about NASA. So for this video we have a special guest, Anurag Gautam. He will be sharing his experience as a treasurer and he will be sharing everything about NASA. NASA is basically National Association of Student of Architecture. It's a very important organization that held competition and convention. So let's begin this video and watch this video till the end. वेलकम टू माय चैनल और थैंक यू कि तुमने अपना टाइम निकाला और नासा के बारे में पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज देने वाले हो इस वीडियो में. तो थैंक यू फॉर दैट. यू आर द ट्रेजरर ऑफ नासा. दैट्स व्हाई लाइक आई वांट दैट यू शुड शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट नासा. अप टू यू अनुराग, अपने बारे में कुछ बताओ. हेलो गाइस, मेरा नाम अनुराग गौतम है और मैं नासा में नेशनल ट्रेजरर की पोस्ट पर हूँ अभी. एंड मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली में. सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्जैक्टली नासा इंडिया के बारे में कि ये बॉडी कैसे वर्क करती है, कहाँ कब स्टार्ट हुई थी, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, क्या कॉम्पिटिशन, क्या इवेंट्स और कन्वेंशन कौन कौन से कराते हैं एंड पूरा डीप नॉलेज कि एक्जैक्टली आप इसके पार्ट कैसे बन सकते हैं, आपको कॉलेज इसमें है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम इस पर आज कवर अप करेंगे. पहली बात, मैं एक डाउट होता है लोगों को कि नासा लाइक फैंसी सा नाम सुन के उनको लगता है कि नासा है क्या, और नासा आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए है क्या, रियल में लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है. तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहो तो प्लीज. ओके, देखो सबसे पहले चीज तो नासा का मतलब क्या है. नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर. एंड सिंस के ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए हम जब भी प्रोनाउंस करते हैं इसको नासा इंडिया के नाम से बोलते हैं. सो नासा इंडिया एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1957 में एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज एक्सचेंज. मतलब सात अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे आपस में मिले, उन्होंने अपने काम एक दूसरे को दिखाया ताकि वो नॉलेज शेयर कर सके एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर जगह सभी कॉलेजेस उस टाइम पे काफ़ी डिस्टेंस पे थे और एज सच कोई ऑनलाइन मेथड नहीं था कम्युनिकेशन का. तो वो हर साल इसी तरीके से मिलते थे एक दूसरे के साथ और काम अपना अपना शोकेस करते थे ताकि नॉलेज एक्सचेंज हो सके. बट धीरे धीरे ये बढ़ता गया और कॉलेजेस ऐड होते गए टाइम के साथ एंड करेंटली ये 63rd ईयर चल रहा है नासा इंडिया का, जो कि ओवर होने ही वाला है लाइक विद इन अ मंथ इट विल बी ओवर एंड उसके बाद 64th ईयर स्टार्ट हो जाएगा. तो इफ अगर आप देखें तो 63 ईयर्स हो गए इस एसोसिएशन को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि हाँ नासा इंडिया काफ़ी बड़ी स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशनल इन्वॉल्व नहीं है. एक सभी चीज़ें स्टूडेंट्स करते हैं, स्टूडेंट्स ही आते हैं और स्टूडेंट्स के लिए ही होता है. इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और इसमें सभी लोग जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सब आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर. और इसमें जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी कुछ गवर्निंग बॉडीज हैं जो नेशनल लेवल पर सर्व करते हैं और कुछ गवर्निंग बॉडीज हैं जो कॉलेज लेवल पर सर्व करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स तो हैं ही जो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन में. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नासा आर्किटेक्चर कॉलेज में कितना है. मैं अगर कॉलेज में हूँ और मुझे नासा ज्वाइन करना है या फिर नासा में पार्टिसिपेट करना है तो वॉट इज योर पॉइंट, वॉट इज योर व्यू अबाउट दैट कि नासा में क्यों करना चाहिए काम एंड यू आर होल्डिंग अ पोजिशन नासा एज अ ट्रेजरर. तो तुम्हारा क्या पॉइंट है और इवन अगर पार्टिसिपेंट भी थे लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पार्टिसिपेट किया था तो व्हाट इज योर पॉइंट कि तुमने कितना लर्न किया एंड इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली नासा की.
इन आर्किटेक्चर कॉलेज? देखो अगर सबसे पहली चीज कुछ क्लैरिफिकेशंस और डाउट्स हैं जो मैं सभी के क्लियर करना चाहूंगा. एज सून एज आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं अपना, तो उसी टाइम आप नासा इंडिया के पार्ट बन जाते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 80-90% जो कॉलेजेस हैं इंडिया में आर्किटेक्चर के वो नासा के साथ एसोसिएटेड हैं. तो और हर स्टूडेंट जो नासा, हर कॉलेज जो नासा से एसोसिएटेड है उसका हर एक स्टूडेंट भी नासा से एसोसिएटेड है. अब सेकंड चीज ये है कि इसमें पार्टिसिपेशन क्यों करें और इससे क्या फ़ायदा है. देखो फर्स्ट ईयर में मैं भी आया था जब, तो मुझे भी ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो 63 ईयर्स ओल्ड है और लाइक उस टाइम पे 61 ईयर्स ओल्ड थी, तो इतना टाइम सर्वाइव कर रही है वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से, तो कुछ तो बात होगी इसके अंदर. तो बस यही देखने के लिए मैंने पहले पार्टिसिपेशन शुरू किया. तो अगर ध्यान दें आप लोग, तो हम जो भी काम करते हैं वो कॉलेज लेवल पर करते हैं. आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स में हमेशा ये होता है कि हमने जो किया हमारे कॉलेज के अंदर ही रह जाता है, हम इसको बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं. तो इन सभी चीज़ों को शेयर करने के लिए और बाकी कॉलेजेस में क्या हो रहा है, बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, वहाँ के आर्किटेक्चर एजुकेशन में और हमारे आर्किटेक्चर एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, ये सब बातें एज अ स्टूडेंट हमें पता नहीं चल पाती है. और इसी जो गैप है ये जो इतना सारा, इन्हीं सबको भरने का काम करता है नासा इंडिया. हम एक इवेंट कराते हैं इस तरीके से जिसको एनुअल नासा कन्वेंशन भी बोलते हैं. उसके अलावा और भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग कॉलेजेस से आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने काम दिखाते हैं. और इसीलिए हम वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी कराते हैं ताकि वो अलग अलग जगह से काम आए. काम जब आएगा तो वो शोकेस होगा, जब जूरी होगी तो वो एक दूसरे का काम देखेंगे. इससे उन्हें आइडिया लगेगा कि ओके इस कॉलेज में इस तरीके का करिकुलम चल रहा है, उन्हें ये चीज़ें इस ईयर में सिखाई जाती हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ये बेटर है, उनके यहाँ ये बेटर नहीं है. तो इससे जब नॉलेज शेयर होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना. सो दैट इज द मेन लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा इंडिया. और उसके अलावा आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स में एंड प्रोफेशनल्स में भी एक गैप सा होता है कि एज अ स्टूडेंट हमें इतना आइडिया नहीं होता कि प्रोफेशन में क्या चल रहा है. इस गैप को भी फिल करने में हेल्प करता है नासा इंडिया. इवन मैं भी जब फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज लाइफ में जब नासा में गया था, देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जब मैं गया, देन आई रियलाइज कि हाँ नासा से स्टूडेंट के बीच में इतना बॉन्डिंग हो जाता है. दूसरे कॉलेज के लोगों को देखने को मिलता है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, उनका वर्क कितना है और उनका एक्सपीरियंस जो होता है ना वो नासा का, आई थिंक वो बहुत बेस्ट होता है. क्योंकि कॉलेज लेवल पे सिर्फ हम अपने कॉलेज वालों को ही देख रहे होते हैं, अपने कॉलेज वालों का ही काम देख रहे होते हैं. लेकिन अगर हम इंडियन लेवल पे देखते हैं कि इंडियन लेवल पे क्या काम होता है, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप जाके देख सकते हो वहाँ कि काम लोगों का कैसा है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. क्योंकि हर स्टेट में हर फैकल्टी मे बी लाइक हर कॉलेज अलग तरीके से काम करा रहा होता है. तो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मुझे दैट्स माय पॉइंट. सो अनुराग, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू विल बी कि नासा में कन्वेंशन जैसे होते हैं, एनुअल कन्वेंशन और ज़ोनल कन्वेंशन, तो एनुअल और ज़ोनल कन्वेंशन में क्या फर्क है और ये होता क्या है बेसिकली? नासा कन्वेंशन की बात करें हम, तो नासा कन्वेंशन दो तरीके के होते हैं. दो तरीके के इसलिए होते हैं क्योंकि एक होता है नेशनल लेवल कन्वेंशन जिसमें पूरे कंट्री भर से अलग अलग जगह से कॉलेजेस आते हैं. अब क्योंकि हम एक जगह पे सभी लोगों को एक साथ अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्रिएट किया हुआ है जिसमें जोनल लेवल पे बात होती है. जैसे पूरा एसोसिएशन जो है वो 6 डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है और वो डिपेंडिंग ऑन कि एकेडमिक करिकुलम कैसा है कहीं का. सो नॉर्थ इंडिया इज लाइक दिल्ली, ऐसे दिल्ली एंड पंजाब ऑल द स्टेट्स आर इन जोन 1, राजस्थान, MP, गुजरात आर इन जोन 2, महाराष्ट्र इज जोन 3, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज जोन 4, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका इज जोन 5, तमिलनाडु एंड केरला इज जोन 6. सो लाइक विद इन पॉकेट्स वी ट्राई टू मेक स्टूडेंट्स कि वो एक साथ आए, वहाँ से भी सीखें और नेशनल लेवल पे तो एक हो ही रहा है. सो जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा नॉलेज का गेन होगा सभी के लिए. अभी इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि अलग अलग करना ताकि जो भी लोग मिस हो रहे हैं नेशनल कन्वेंशन में उन्हें जोनल कन्वेंशन में एक चांस जरूर मिले. कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ये कन्वेंशन क्यों होते हैं ये मैं क्लियर आउट करना चाहूँगा. कन्वेंशन लाइक एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो एक इवेंट है, उसके अंदर हम कुछ आर्किटेक्ट्स को, जूरर्स को इनवाइट करते हैं. उसके साथ साथ कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनको हम ट्रॉफीज का नाम भी देते हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स पर होती हैं. फॉर एग्जाम्पल नासा में वी हैव मल्टीपल ट्रॉफीज, आई कैन नेम देम, लाइक देर इज दिस
रिबन्स ट्रॉफी जिसमें हम जज करते हैं कॉलेजेस का काम ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकेडमिक्स, लाइक फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर के अकेडमिक्स में जो भी वो काम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर तक में जो भी इवेल्यूएशन उनके काम में आ रहा है वो सारा वो अपने एक पैनल पर शोकेस करते हैं. सेकेंड ट्रॉफी लाइक देर आर ट्रॉफी लाइक एल आई के विच वी गेव दिस नेम ऑन द बिहाफ ऑफ लुई आई कान. सो इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन ट्रॉफी एंड इट शोज द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज, लाइक हाउ हाउ गुड देयर वर्क इज इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन. देन देर आर ट्रॉफी लाइक हटको ग्रिया विच आर बेसिस ऑन द दिस ऑर्गेनाइजेशन हटको एंड ग्रिया. दीज आर द कोलेबरेटिव ट्रॉफीज. HUDCO is basically for the housing and GRIHA is for the green rated building. Similarly, we have trophies like landscape trophy, जो कि landscape के department में ही specifically मतलब focus करती है. और इसके collaboration हमने even there are different type of competition ना कि एक होते college level के competition and there's individual level competition तो you can talk. हाँ जी. अगर आपने अजहर के videos देखे होंगे तो एक वीडियो में अजहर ने पोर्टफोलियो का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था मिस्टर रोहिल बड़ुआ का पोर्टफोलियो जिसमें उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने एक ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया था इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो कि नासा इंडिया की थी. तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी हमारी एक ट्रॉफी है जिसमें हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर से हट जाते हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइन पर बात करते हैं. तो उस तरीके की ट्रॉफीज भी हमारे यहाँ मतलब उस तरीके के कॉम्पिटिशन भी होते हैं और ये सभी चीज़ें इनकी जूरी जो होती है ये एनुअल नासा कन्वेंशन में होती है जहाँ पे जूरर्स आते हैं अपने इनपुट्स देते हैं और वहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन्हें उनकी ट्रॉफीज एंड प्राइज ट्रॉफीज वगैरह दी जाती है उन्हें इन द लाइक लास्ट डे ऑफ कन्वेंशन पे. सो इट्स लाइक अ टोटली फन इवेंट जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स हैं. उसके अलावा कुछ कल्चरल कॉम्पिटिशन भी कराते हैं लाइक डांस, म्यूजिक एंड फैशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड विल बी कि बेनिफिट्स क्या है पार्टिसिपेटिंग, अगर नासा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है आफ्टर कॉलेज और मे बी इन आर्किटेक्चर फील्ड और इवन इन कॉलेज. क्या देखिए जब आप कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है नासा में तो उसको एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफी एंड उसके अलावा प्राइस मनी भी होती है. हर ट्रॉफी के लिए एक प्राइस मनी भी है. अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की तो नासा का नाम ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में, सभी फैकल्टीज, सभी एचओडीज जानते हैं, इवन आर्किटेक्ट्स भी जानते हैं. सो इट्स मोर लाइक के अचीवमेंट ही है. सभी स्टूडेंट्स अगर जो जीतते हैं किसी भी ट्रॉफी को वो अपने पोर्टफोलियो में, अपने सीवी में सभी जगह लगाते ही हैं. लोग कितना इम्पोर्टेंस देते हैं इस चीज़ को और कंसिडर भी किया जाता है इस चीज़ को फॉर्म्स के अंदर कि हाँ आपने नासा में पार्टिसिपेट किया था तो बेसिकली हाँ आपके अंदर इस चीज़ की कैपेबिलिटी है, आपने आपको ये चीज़ अच्छे से आती है. और आप जीतते हैं तो आप एज सच कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है जिसमें इतने सारे कॉलेजेस से पार्टिसिपेशन आ रहा है. सो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है अगर आप ट्रॉफी जीतते हैं तो. इवन पार्टिसिपेशन भी अपने आप में बड़ी बात होती है क्योंकि आप रोज ये काम नहीं करते, क्योंकि सभी अकेडमिक्स में तो आप वही करेंगे जो हमेशा चलते आ रहा है, बट ये कुछ अलग है, कुछ इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर किसी पोस्ट पे नासा को रिप्रेजेंट करना है किसी भी स्टूडेंट को और वो भी किसी भी कॉलेज तो उसको क्या करना पड़ेगा और वो कैसे एक पोस्ट पे आ सकता है नासा की. जैसे यू आर इन अ पोस्ट ऑफ ट्रेजर, तो अगर उसको ट्रेजर या फिर कोई जितनी भी पोस्ट है अगर किसी को कॉलेज ज्यादा इंटरेस्ट है तो हाउ ही कैन बी अ पार्ट, कैन यू डिस्कस अबाउट दैट. या सी देखिए इसमें दो तरीके के डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हैं. तो पहला पाथ तो ये होता है कि जैसे जिस पोस्ट पर मैं आऊँ, ये पोस्ट पे आने के लिए थोड़े से एक रेस्ट्रिक्शन से ये हो जाते हैं कि आपको एक ही एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही होना होगा जो कि है अपना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली जो है वो है हेडक्वार्टर्स इस एसोसिएशन का. हेडक्वार्टर्स मतलब यहाँ पे हम सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है एसोसिएशन का सब यहीं होता है, सारी चीज़ें यहीं से हैंडल होती हैं, लीगल फाइनेंशियल. तो यहाँ से दो ऐसी पोस्ट हैं जो नॉमिनेटेड होती हैं. नॉमिनेटेड मतलब हम इस पोस्ट पे आते हैं तो एज सच हर किसी के साथ कोई इलेक्शन नहीं होता हमारा. हम पर्टिकुलरली इसी कॉलेज से ही आते हैं और विद इन कॉलेज हमारा एक इंटरव्यू होता है, इलेक्शन होता है. और इट्स नॉट लाइक कि एक ईयर की पोस्ट होती है, इट्स अ कंसेक्यूटिव पोस्ट ऑफ 3 ईयर्स. So if someone wants to become like national treasurer or national secretary in the association,
उन्हें नासा में अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से एज अ वॉलेंटियर काम करना पड़ेगा फॉर द हेडक्वार्टर्स। तो जैसे जैसे वो काम करेंगे वो नॉलेज उनका गेन होगा। तो पहला इलेक्शन होता है और इंटरव्यू होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर डेजिग्नी। तो ट्रेजरर डेजिग्नी की जो पोस्ट है वो सबसे पहली पोस्ट मिलती है। देन अगर किसी को वो पोस्ट मिल जाती है आफ्टर मल्टीपल इंटरव्यूज एंड इलेक्शन, तो फिर वो वही पर्सन आगे चलता है और बनता है ट्रेजरर नेक्स्ट ईयर। देन नेक्स्ट ईयर और वही सेम पर्सन नेक्स्ट ईयर बनता है सेक्रेटरी। सो लाइक इट्स अ 3 ईयर पोस्ट, ट्रेजरर डेजिग्नी, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। सो काउंसिल की बात करें तो काउंसिल में ट्रेजरर और सेक्रेटरी की पोस्ट होती है इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। काउंसिल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। लाइक आई डिस्कस विद यू कि जोन्स है हमारे पास 6 जोन्स। हर जोन का अपना अपना एक जोनल प्रेसिडेंट होता है जो उस जोन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके अलावा एक अलग से एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जो सभी चीज़ों को नेशनल लेवल पे मैनेज कर रही होती है, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। और मैं अगर हायरार्की में बात करूँ तो सबसे ऊपर आते हैं नेशनल प्रेसिडेंट, देन नेशनल सेक्रेटरी, उसके बाद नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, देन नेशनल ट्रेजरर, देन पब्लिक रिलेशंस। सो इन 5 में से 2 पोस्ट तो रिजर्व हो जाती हैं इसी कॉलेज से क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स है। बाकी की जितनी पोस्ट हैं, 3 नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, पब्लिक रिलेशंस एंड 6 जोनल प्रेसिडेंट्स, इसके लिए किसी भी कॉलेज से आ सकता है कैंडिडेट। अब वहाँ पे आने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। लाइक हर एक कॉलेज का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हम यूनिट सेक्रेटरी बोलते हैं। बेसिकली वो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने कॉलेज को नासा में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक टाइम जी यूनिट सेक्रेटरीज हैं, ये सभी 3rd ईयर में होते हैं। इसके बाद इनमें से ही इनको इलेक्शन में खड़ा होना होता है, और उसी इलेक्शन में जब वो जीतते हैं तो वो इनमें से किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जोन प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको उसी जोन का होना पड़ेगा। नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या पब्लिक रिलेशन बनने के लिए आप किसी भी जोन से खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको यूनिट सेक्रेटरी होना कंपल्सरी है। यूनिट सेक्रेटरी का अलग से पूरा सिस्टम है। यूनिट सेक्रेटरी बनने के लिए भी आपको एज उससे पहले एज यूनिट डेजिग्नी सर्व करना होता है एसोसिएशन को, जो कि 2nd ईयर में पोस्ट मिलती है। और ये इंटरनल कॉलेज का मैटर है कि वो किसको यूनिट डेजिग्नी और यूनिट सेक्रेटरी बना रहा है, बट उन यूनिट सेक्रेटरीज में से कौन नेशनल पोस्ट पे आ रहा है ये बाकी सभी यूनिट सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं थ्रू इलेक्शन। तो दिस इज द होल प्रोसीजर कि मतलब तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही काम करना होगा, देन यू विल बी एबल टू गेट अ पोस्ट इन नासा। और भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेड सीट्स हैं और कुछ नहीं लिमिटेड सीट्स हैं। तो दैट्स ये लाइक कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर किसी को भी देखना है, जानना है, तो आप www.nasaindia.co पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे काउंसिल स्ट्रक्चर बना हुआ है और नासा से रिलेटेड सारी बातें वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो इफ एनीवन इज उसके अलावा अगर इंटरेस्टेड आप दे कैन चेक दैट आउट, वेबसाइट चेक कर सकता है। इवन कंपटीशन के बारे में भी उसमें लिस्ट डाउन होता है कि कंपटीशन कैसे चल रहे हैं। तो स्टूडेंट कंपटीशन, स्टूडेंट ही बॉडी परफॉर्म करती है उन कंपटीशन में, और लाइक देयर इज नो प्रोफेशनल इन दैट। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट होता है कि जो कॉम्पिटिशन्स लाइक ओपन कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी क्योंकि स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है तो सबके लिए सब कुछ इक्वल है। हमारे लिए हर एक स्टूडेंट इक्वल है, सबको सेम अमाउंट ऑफ फ्रीडम है पार्टिसिपेशन करने के लिए, अनटिल अनलेस देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कि टाइप कॉलेजेस कैसे होते हैं, कि नासा कैसे डिवाइड करता है कॉलेजेस को, कि इज देयर एनी टीयर समथिंग लाइक दैट, तो वो डिस्कस कर सकते हो। देखिए, नासा में 2 तरीके के कॉलेजेस होते हैं। पहले होते हैं मेंबर कॉलेजेस, दूसरे होते हैं ऑब्जर्वर कॉलेजेस। नाम से भी काफ़ी क्लियर है कि मेंबर कुछ इस तरीके से जो परमानेंट हैं और ऑब्जर्वर जो थोड़ा सा उनसे नीचे हैं। सो थोड़ा उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस नहीं होता है। मेंबर कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एसोसिएशन में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है सभी, और वो मतलब उनको काफ़ी समय हो गया है एसोसिएशन में जुड़े हुए। ऑब्जर्वर कॉलेजेस हम उनको बोलते हैं जिन्होंने रिसेंटली एसोसिएशन को ज्वाइन किया है, और ऐसा नहीं है कि वो मेंबर नहीं बन सकते, वो बन सकते हैं मेंबर, पर ऑब्जर्वर एज अ ऑब्जर्वर आप एसोसिएशन में ज्वाइन होते हैं। उसके बाद आपको 2-3 साल एसोसिएशन में काम करना होता है। लाइक काम करना होता है मतलब पार्टिसिपेट करना होता है, अपना रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं हर साल। उसके बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपका कॉलेज मेंबर बन जाएगा। बट उसके लिए कुछ सर्टेन सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जो आपको वेबसाइट पर डिटेल में मिल जाएंगे। और मेंबर और ऑब्जर्वर के बेसिस पे ही थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं जब हम ट्रॉफी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। लाइक ऑब्जर्वर कॉलेजेस
हर एक ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको किसको अप्रोच करना चाहिए अपने कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज लेवल में मे बी वो गाइड करने के लिए कोई नहीं होगा उसके पास, तो उनको सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए और कौन सी पोस्ट होती है कॉलेज में जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं सो दैट दे कैन गाइड देम। देखिए हर कॉलेज में एक यूनिट सेक्रेटरी होता है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या किसी भी ईयर में हैं आप, अगर आपको किसी भी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करना है तो एक पर्सन है जिसको आपको अप्रोच करना है, वो यूनिट सेक्रेटरी, आइदर यूनिट सेक्रेटरी या फिर यूनिट डायरेक्टरी। यूनिट डायरेक्टरी बेसिकली वही बात यूनिट सेक्रेटरी तक पहुंचाएगा, बट यूनिट सेक्रेटरी इज द हेड विद इन अ कॉलेज जो आपको ये सारी बातें बता सकते हैं कि कौन से ट्रॉफी में पार्टिसिपेशन चल रहा है, कब उसकी डेडलाइन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपका यूनिट सेक्रेटरी देंगे कॉलेज के। लाइक व्हाइल सर्विंग फॉर नासा एज अ ट्रेजरर, तुम्हारा टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट ईयर से एंड तक बीइंग अ ट्रेजरर, कैसा लगा एंड टेल योर फुल एक्सपीरियंस वी वांट टू नो। देखिए लाइक जब मैं कॉलेज में आया था तो मुझे ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था कि एक एसोसिएशन जो चल रही है इतने टाइम से एंड कुछ लोग देख के मैं काफ़ी इंस्पायर भी हुआ था। सो मेरा मतलब फर्स्ट ईयर से ही ड्रीम था कि हाँ मुझे नेशनल सेक्रेटरी बनना है नासा में। सो मैंने अप्रोच किया उसके बाद कि कैसे कैसे ये प्रोसीजर होता है, सिंस SPA दिल्ली हेडक्वार्टर्स भी है लेकिन अपने आप में एक यूनिट भी है, एक कॉलेज भी है जो पार्टिसिपेट करता है नासा में, तो यूनिट में यूनिट सेक्रेटरी और यूनिट डायरेक्टरी होते हैं। लेकिन अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे एक अलग टीम चल रही होती है जिसमें हमारे ऊपर जो मतलब उस समय में ट्रेजरर डायरेक्टरी ट्रेजरर और सेक्रेटरी थे, तो मैंने उन्हें कॉन्टेक्ट किया कि कैसे हम मुझे आगे जाना है तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ आप हेडक्वार्टर्स में वॉलंटियर कीजिए, काम करिए, धीरे धीरे सीखेंगे, सीखने के बाद फिर आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेट करने की और आगे और काम करने की, फिर आप इलेक्शन में जाइए। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मुझे हमेशा बिगर पिक्चर पसंद है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है बड़े स्केल पर सभी चीज़ें, मतलब ट्रॉफी पार्टिसिपेशन एंड ऑल दिस थिंग इज फाइन, मतलब मैंने भी पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट ईयर में अपने और काफ़ी अच्छा था वो वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट मुझे ये चीज़ जाननी थी कि हाँ बड़े स्केल पे सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें इतनी सारी मैनेज कौन करता है। सो अपने आप में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा भी आया, सीखने को भी मिला, काफ़ी टफ भी हो जाता है अकेडमिक्स के साथ हैंडल करना क्योंकि यहाँ पे जो कमिटमेंट है ये 3 साल की है, आपको ट्रेजरर डेजिग्नेट फिर ट्रेजरर सेक्रेटरी रहना है, 3 साल तक एक पोस्ट मतलब 3 पोस्ट पे रहना है और आप एक तरीके से नहीं जा सकते कहीं क्योंकि एसोसिएशन आपके ऊपर रिलाई कर रहा है। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टफ मतलब काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है, काफ़ी जगह जाने को मिलता है, लोगों से बात करने को मिलता है, आर्किटेक्ट से बात करने को मिलता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है। तो काफ़ी और अभी जैसे इस साल भी हम कुछ स्टूडेंट्स को वॉलंटियर जो वॉलंटियर कर रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो अगले साल जैसे हम तो कंसेक्यूटिव पोस्ट पर हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे पोस्ट पर कोई तो आना चाहिए, तो ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। तो अभी मैं ट्रेजरर पोस्ट पर हूँ और कुछ ही टाइम बाद एक मीटिंग होगी जिसके बाद मेरी पोस्ट अपग्रेड हो जाएगी और फिर मैं नेशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पर पहुँच जाऊँगा एंड देन वो 1 साल का टेन्योर चलेगा एंड देन फाइनल उसके बाद आई विल बी डन, मतलब मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर मेरे नीचे जो लोग मतलब जो मेरे नीचे ट्रेजरर बने हैं फिर वो आएंगे एंड सेम साइकिल चलता जाएगा, ये लास्ट 62 ईयर से चलता आ रहा है। थैंक यू अनुराग फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड ऑल द बेस्ट, जितना भी तुम कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो अपना नासा के लिए इट विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड जितना तुमने इस वीडियो में शेयर किया है दैट विल बी ऑल्सो मेकिंग डिफरेंस कि जो स्टूडेंट नासा में इंटरेस्टेड है या नासा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस अगेन। थैंक यू सो मच अदर, थैंक यू फॉर टॉकिंग, लाइक मुझे भी काफ़ी मज़ा आया कि क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता उन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास अवेलेबल है, वो कॉलेज में रह के ही उन्हें पता नहीं होता कि हाँ एक्चुअली ऐसा भी कुछ चल रहा है, अकेडमिक्स में वो बिजी रहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो एक डिफरेंस लाए उनके लिए भी और उन्हें आइडिया लगे कि हाँ एग्जैक्टली कैसे पार्टिसिपेशन होता है, किस पर्सन को कॉन्टैक्ट करना होता है। उसके अलावा ऐसी बात नहीं है, आप अगर चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी जानना है, बाकी आपकी यूनिट सेक्रेटरी तो है ही, आप उनको कांटेक्ट करिए अगर आपको ट्रॉफी में पार्टिसिपेशन करना है एंड उसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं हमारी,
और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है वी नासा इंडिया करके, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे रेगुलरली अपडेट्स होती रहती हैं कि कौन सी ट्रॉफी निकल रही है, क्या इवेंट होने वाला है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगर, थैंक यू सो मच फॉर दैट।